हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आऊँ, देखिए यस बैंक। यस बैंक बहुत चर्चाओं का विषय बना रहा। पिछले कुछ टाइम में मैनेजमेंट की वजह से ज़बरदस्त गिरावट का सामना करना पड़ा। सीईओ राणा कपूर जी कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे, आरबीआई से अप्रूवल नहीं मिल रहा था, टेन्योर एक्सटेंड नहीं हुआ, शेयर गिरा, बिल्कुल धराशाही होके गिरा। अब पिछले कुछ दिनों में रिकवरी दिखी है, रिकवरी हो रही है, और आज उस रिकवरी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज यानी कि 26 अप्रैल 2019 बहुत बड़ा दिन है, और आज के दिन ये पता चल जाएगा कि यस बैंक की अगली डायरेक्शन क्या होगी। क्या ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आज काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्या है आज का दिन, क्यों खास है, और यस बैंक के बारीकियाँ जानते हैं थोड़ा सा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए, यस बैंक की हम बात कर रहे हैं, 54,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 237 का प्राइस है, बुक वैल्यू 111 के आसपास है, पी रेशियो 12.46। 12.46 पी का मतलब है एक रुपये कमाने के लिए इसके बैंक में 12.46 लगते हैं। कंपनी का अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 7.5% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5%, और सेल्स ग्रोथ 20% की है। सब कुछ बढ़िया है, बेहतरीन है, नो डाउट, अच्छे फंडामेंटल्स हैं। लेकिन जो शेयर में गिरावट आई थी, ये देखिए बिल्कुल शेयर धराशाही हो गया था। 400 रुपये से लेके ये शेयर 145 का लो इसने बनाया था, और उसके बाद जो बहुत ही बढ़िया रिकवरी इसने दिखाई है, मैं कहूँगा 145 से बढ़ के देखिए 245 के आसपास जा चुका है। 100 रुपये अभी भी ऊपर है, और इससे पहले इसने 290 के आसपास का हाई बनाया था। अब असली टाइम आ गया है। अब असली टाइम से मतलब क्या है वो देखिए। ऑल दो मैं कहूँगा ये अभी अपने जैसे ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी उसी के आसपास भी नया ट्रेंड इसने बनाया है। एक ये स्लो वाला ट्रेंड है और ये फास्ट वाला ट्रेंड है, ये देखिए आप। और यहाँ से उम्मीद तो लगाई जा रही है कि रिजल्ट अच्छा रहेगा। हम बात कर रहे हैं रिजल्ट की। आज का जो खास दिन है वो है रिजल्ट का। आप ये देखिए आज का रिजल्ट, यस बैंक 26 अप्रैल को रिजल्ट अनाउंस होगा, चाहे वो दिन में हो या शाम को हो। दिन में होगा तो डायरेक्टली मार्केट में उसी टाइम पर असर देखने को मिलेगा, और शाम को रिजल्ट आएगा तो फिर उसका असर कल यानी कि 27, कल तो सैटरडे है यानी कि मंडे को देखने को मिलेगा। अब ये देखिए यस बैंक के फंडामेंटल्स आपने देख लिए, टेक्निकली देखें तो स्टॉक बिल्कुल धराशाही कहूँगा मैं, धराशाही होके अब उठा है, उठ के खड़ा हुआ है और जाने को तैयार है वापस अपने पुराने हाई की तरफ। अगर आप स्टॉक देखें, यही एक फेज है, बहुत बैड फेज रहा इस स्टॉक में ये इस इन्वेस्टर के लिए। इसीलिए मैं कह रहा था ये खास दिन है। और एक और दूसरी बात, आज का दिन खास इसीलिए है, देखिए रिजल्ट के साथ साथ हमेशा डिविडेंड डिक्लेयर करता है। जैसे पिछली बार मात्र 2.70 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन उससे पहली बार इसने 12 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। आप खुद देखिए 12 रुपये का डिविडेंड उससे पहली बार किया था। तो उम्मीद है कि यह स्टॉक इस बार भी बढ़िया डिविडेंड दे, और बढ़िया डिविडेंड दे। अगर जानते हैं इसका रिजल्ट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो तो यहाँ पे जताया जा रहा है कि भाई रिजल्ट तो अच्छा आ सकता है, क्योंकि पिछले साल का जो यहाँ पे प्रॉफिट था, ये सारी फिगर जैसे करोड़ में है तो 4200 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार उम्मीद है 4400-4500 करोड़ के आसपास तो उससे उसको पार ही करेगा। तो चलिए ये तो हमने देखा। अब हम बात कर रहे थे डिविडेंड की, डिविडेंड तो अच्छा दिया है, लेकिन 2017 में स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पर गया स्टॉक स्प्लिट हुआ है यस बैंक का। कोई बोनस इसने अनाउंस नहीं किया। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें इसका तो कुछ इस तरीके से, देखिए 625 FII का 40% पैसा लगा हुआ है, 33 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का ऑलमोस्ट 10% पैसा लगा हुआ है, LIC का ज़बरदस्त 8% पैसा LIC का लगा रखा है। तो यहाँ पे मधु कपूर जी, राणा कपूर, मधु कपूर आपने नाम सुना होगा, मधु कपूर इसके मेजर प्रमोटर हैं 7.57% होल्डिंग के साथ। और LIC, मैं तो कहूँगा LIC मेजर होल्डिंग है। LIC देखिए 8.5-9% के आसपास का पैसा LIC का लगा हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा पैसा इसमें लगा हुआ है 13-14% के आसपास। तो ये हमने बात करी यस बैंक, यस बैंक का आज के लिए खास दिन। तो आप इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट आएगा तो अपडेट कर दिया जाएगा आपको। और अगर आपने वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।